आज 19 मार्च 2019 है। भावरेश्वर परिसर में इधर थोड़ा दिखाइए, सारे जानवर देखिए सैकड़ों की संख्या में देख रहे हैं। यहाँ सब मेला परिसर में घूमते हैं, खाते हैं, इनको आजादी है, नदी का किनारा है। और आज भगवान राम की सहायता पहुंचाने वाले बानर सेना, आज देखिए मोदी जी के चरणों में सब आशीर्वाद लेने आए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सूचक है, इतनी बड़ी सूचना है, इतनी बड़ी चीज है जो आज तक देश में पहली बार आप देख रहे हैं। पहली बार कि ये बानर सेना ने राम की मदद किया था, बोलिया तो आज ये मोदी जी के सब आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चारों तरफ से आप सब ये मंदिर में पूजे जाने वाले गौ माता घूम रही हैं, नंदी सब घूम रहे हैं, तो अपने आप में एक अजूबा है। 19 मार्च 2019 भावरेश्वर परिसर रायबरेली और लखनऊ के बीचों बीच में है ये। अब ये सब आएंगे, इसी तरह आप आ रहे हैं, प्रसाद लेते रहेंगे। देखो ये आया, उसको हटा दिया, हटो भगत चौधरी। यानी ये जब चौधरी आ जाते हैं तो किसी को खाने ही नहीं देते। तो अभी आपने सब एक बढ़िया सीन देखा, ये हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। तो आपने ये सीन देखा और देखने के बाद सीखिए, समझिए, ये देश का गौरव है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। अब मोदी जी हमारी देश की शान है, उनके नाम से अब ये भोज निरंतर चलता रहेगा। हम लोगों का कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम ऐसे एक पूरे हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता की हम लोग आराधना करें, हम पूजा करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि हमारी संस्कृति आगे दिनों दिन बढ़े, वरना ये भूल जाएंगे मंदिर घंटी और घंटा। इसको नोट कर लीजिए, हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही ये बानर सेना इनके चरणों में आशीर्वाद भी ले रहे हैं और प्रसाद भी सब ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सीन देख रहे हैं 2019 में, ये भविष्यवाणी है, ये देश का सौभाग्य है कि हमारे मोदी जी, जिनका एक हम मुखौटा लगा करके बैठे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देश में पहली बार ये ऐतिहासिक ये बानर सेना का भोज हो रहा है। और आने वाले समय में 2019 के चुनाव में जो चमत्कार आप देखेंगे वो सब आपके सामने आएगा, जो उन्हीं का आशीर्वाद है। एक बानर ने खा लिया अगर एक बानर ने, तो 1000 बार सुंदरकांड का पाठ हो गया, 1000 बार। तो ये चुनाव के पहले की ये बड़े शुभ रक्षा है। लो भैया तुम भी खाओ, ये गाड़ी में जो माल पड़ा है। मुखौटे की वजह से कम है, यहाँ मुखौटा है तुम बहुत मारा, अगर कुछ किसी ने बदमाशी किया मेरे को झपड़ मारा सकते।
तो अपने इस भोज को देखा और उसके बाद ये हमेशा ये भोज निरंतर ये चलता रहेगा। हमारे श्याम साधु जी ने राय दिया है कि बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ जाएंगे, अभी उन्नाव जिले में जाएंगे नदी को उस पार, वहाँ भी भोज होगा। तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और करें ऐसा काम कि देश का नाम हो जाए पूरे संसार में। ए, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, देखो सब एक के ऊपर चार चार जुटे हैं, सब हुआ खड़े हो जाओ उसको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री